अरे टायर काफी आगे, रोड बहुत ही खराब मिलेगा। अब 4x4 ही चढ़ती थी इस रोड पे और इस पे पेंट नहीं कर सकते, ये हाथों से बनाए जाते थे और पता नहीं मोड़ने के लिए जगह मिले ना मिले। और अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ ये सारा। अच्छा हुआ मैं गाड़ी नीचे नहीं लाया, तोड़ दिया गया है, डिसमेंटल किया गया है। पुराने पुराने घर है लकड़ियों के और पत्थर के बने हुए, तरीके से डिजाइन बनाए जाते थे लकड़ी पे। ये जो बचे हुए सेब है अब इनको हम हाथों से लिखा है, पुराना है यहाँ पे। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे सेब बचे हुए हैं जो कि देखिए क्रेटों में भी हमने चढ़ाए हुए हैं। ये जो बचे हुए सेब है अब इनको हम लोगों में बांटेंगे, खाएंगे। ये है रेड गोल्डन, अलग अलग वैरायटी होती है ये सेबों की। आज हम जा रहे हैं अपने मंदिर। मैं इस वक्त चेक कर रहा था कि मेरी बैटरी कितनी बची है और मेमोरी कितनी बची है, तो आधे घंटे की मेमोरी है। और इसके बाद कच्चा रोड आना शुरू हो गया है, आगे रोड बहुत ही खराब मिलेगा। अब उछाल उछाल के जाएगी गाड़ी, सब लोगों को जहाँ खराब होगा वहाँ पे मैं रोक दूंगा गाड़ी, आगे नहीं ले जाऊंगा। मंदिर है हमारा नाग देवता का, और जिसे चेड़ मंदिर के नाम से जाना जाता है, और वो ठीक फागू के नीचे है। आगे से मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ से शिमला के लिए पानी भी जाता है। अंग्रेजों के वक्त की बनी हुई वो मशीनरी है, और सबसे पहला पानी यहीं से ले जाया गया था शिमला के लिए, जब वहाँ पे आबादी कम थी और अंग्रेजों का शासन था वहाँ पर। बाकी रोड है ये खराब, वहाँ के लिए तो रोड दूसरी तरफ से आती है, और ये दोनों रोड अभी लिंक आपस में हुए नहीं है, नहीं तो काफ़ी शॉर्ट हो जाना था आर पार आना जाना। और ये कुत्ता हमारा वेट करता हुआ देख रहा है कि कौन आगे है। आज रोड बिल्कुल साफ है, सिग्नल गया FM का। बना दे कल बट अब नीचे से जाता पानी, ये तो अच्छा धूप में सूखा हुआ रोड है। रोड इतनी खराब नहीं ना हो जाएगा, अब बहुत साफ कर दी है रोड पहले से, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। फिर तो कुछ नहीं लगा, यहाँ शॉर्टकट जाना हमने, यहाँ देखो ऊपर नहीं, यही पॉइंट था सिर्फ खराब है, तो ना यही यहाँ पक्का कर दिया। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पे गटका नहीं बिछा हुआ था, इस बार गाड़ी आराम से चढ़ गई, नहीं तो 4x4 ही चढ़ती थी इस रोड पे। नहीं तो मैंने सोचा था कि शायद हमें गाड़ी नीचे रोकनी पड़ती। रोड इतनी बुरी अभी लग नहीं रही, ठीक ही है, बस ये लास्ट पॉइंट है जो हमारे चढ़ाई वाला है। और गाड़ी आराम से क्रॉस कर रही है हर एक मोड़ को, वापसी में तो उतराई है फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक पॉइंट होगा नाले में जो थोड़ा ख़राब मिलेगा हमें। ये देखिए अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, गाड़ी आगे शायद जाती होगी और पता नहीं मोड़ने के लिए जगह मिले ना मिले, इसलिए मैं सोच रहा हूँ गाड़ी यहीं लगा लेता हूँ। काफ़ी देर तो क्या, तकरीबन 15 मिनट ही लगे हमें सिर्फ यहाँ तक, वैसे डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं पर रोड ख़राब थी उस वजह से हमें थोड़ा वक्त लग गया। और ये है नीचे जो आपको मैं बता रहा था, इस जगह को कहते हैं क्वार्टर, और अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ ये सारा प्रोजेक्ट है, और शिमला के लिए यहीं से पानी जाता था पहले और अभी भी जाता है। अब तो काफ़ी सारी जगह और बन गई है पानी के, और काफ़ी सारी जगह से इन्होंने पॉइंट्स ले लिए हैं। अरे टायर काफ़ी ऊपर चढ़ गया है, पर चलो जल्दी जल्दी आएंगे हम अभी। ये सामने आपको दिख रहा है ये है फागू, और ये है गलू, और यहाँ पीछे है कुफरी, फिर बाकी तो तत्ता पानी आगे की तरफ है। और ये आजकल मंदिर पे काम चला है, वहाँ यहाँ पे तो मशीनें भी लगाई हुई इन लोगों ने, अच्छा काम है यहाँ हो रहा मंदिर का, डेवलप कर रहे इसे। और पुराने वक्त की बनी हुई चीज़ें थी और स्टोर वगैरह भी छोटे छोटे थे उस वक्त, और अब ये काफ़ी अच्छा बनेगा और काफ़ी बड़ा भी इसे बनाया जा रहा है। अच्छा हुआ मैं गाड़ी नीचे नहीं लाया, फिर यहाँ पे मोड़ने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ काम चला हुआ है मंदिर का, और ये है पुराना रास्ता मंदिर तक जाने का। ये देखिए सारी लकड़ियाँ जो बच गई है, क्योंकि यहाँ पे पुराना बने हुए थे छोटे छोटे घर और उन्हें तोड़ दिया गया है, डिसमेंटल किया गया है, और उसकी जगह अब नया बन रहा है। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लकड़ी और पत्थर के होते थे उस वक्त घर वगैरह, और यहाँ पे भी कुछ था, यहाँ पे भी कुछ था। और ये है हमारा मंदिर, ये देखिए सारे पत्थर यहाँ पे इकट्ठे किए इन लोगों ने। अब यहाँ पे मुझे खोलने पड़ेंगे शूज़ अपने, एक कैसा बैठाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे पुराने पुराने घर है लकड़ियों के और पत्थर के बने हुए, और ये भी मंदिर का ही कैंपस है, और इसके ऊपर इसी की छत है शायद ये। और ये है हमारा मंदिर, और इस पे पेंट नहीं कर सकते क्योंकि पेंट में
चर्बी होती है जानवरों की, उस वजह से उसको यूज़ नहीं करते हमारे मंदिरों में, तो इसलिए ये ऐसे ही रखा हुआ है। ना इसे पेंट कर सकेंगे, ना कोई पॉलिश लगा सकेंगे, नहीं तो ये और ही ज़बरदस्त चमकता। अब लकड़ी का रंग थोड़ा फीका तो होता ही जाएगा वक्त वक्त। मैं यहाँ साइड से आपको दिखाता हूँ मंदिर, यहाँ पे काम भी चला हुआ है। और ये था इधर का मंदिर हमारा, और ये न्यू कंस्ट्रक्शन चली हुई है, और ये पहले पुराने वक्त में था ये बना हुआ, इसे निकालना पड़ा क्योंकि इसमें थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं। और ये पिलर तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद छत ही लगेगी इसके ऊपर और एक हॉल तैयार करेंगे इस पर। चलिए अब मैं आपको आगे से दिखाऊंगा थोड़ा व्यू इसका। और ये पुराना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से लकड़ी का बना होता है, इस पर जो आपको ऊपर दिख रहे लटके हुए वो ये वाले हैं, और देवदार की लकड़ी होती थी ये। मशीन तो नहीं होती थी उस ज़माने में, ये हाथों से बनाए जाते थे, अब तो मशीनें आ गई है। ये है दरवाजे खिड़कियाँ जो पुरानी बिल्डिंग से निकाले गए थे, और ये देखिए इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे सामने हमने गाड़ी लगाई है, और यहाँ से रोड आएगा, फिर यहाँ से बोर्डर की स्ट्रे हो जाएगी यहाँ ऊपर, यहाँ से एंट्री होगी। इस मशीन के थ्रू मसाला ऊपर पहुँचाया जा रहा है, इसके ऊपर बोर्डर की पूरा हॉल बनेगा, तीनों मंजिल में हॉल ही बनाएंगे ये। कुछ कमरे बोर्डर के उस तरफ रखे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे धूप आती है। बस ऐसा सा काम चला हुआ है, और यहाँ पे देखिए सरियों को काटा जा रहा है। और लकड़ियाँ देखिए दुनिया भर की लकड़ियाँ होती थी, और ये देखिए अब डिज़ाइन इन पे 2010 इन्होंने इस पे लिखा हुआ भी है, और ये देखिए हाथों से लिखा है लकड़ी पे। और ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनाए जाते थे लकड़ी पे, इनको कहीं ना कहीं ये यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरीके की डिज़ाइनिंग, वैसे इन्होंने इसे चेंज नहीं करना था क्योंकि अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लोगों का आना जाना भी बढ़ रहा है, जिस वजह से कैंपस कम पड़ रहा था। ये देखिए डिज़ाइनिंग की अच्छी अच्छी दी हुई है। अब हम चले वापस, और अब उतराई है हमें नाले तक मिलेगी, आधी उतराई है फिर आधी चढ़ाई है, पर जो भी खराब रोड था वो उतराई में मिलेगा अब हमें। अब यहाँ से आगे रोड थोड़ा चढ़ाई वाला है, अब यहाँ मोशन बना के जाना पड़ेगा। इतना ख़राब भी नहीं है पर कंटिन्यू चढ़ाई है, जिस वजह से थोड़ी रफ्तार रखनी पड़ेगी। अब ये कंटिन्यू चढ़ाई वाला है रोड, अब हमने पक्के रोड पहुँचने में भी आधा घंटा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी रोमांचक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।